अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सबसे बड़े बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर जिस वक्त भारत अमेरिका के संबंधों को ऐतिहासिक करार देते हुए भारत को अविश्वसनीय सहयोगी बता रहे थे, ठीक उसी समय अमेरिका के वरिष्ठ सांसद ब्रैड सरमन ने भारत को नाटो प्लस 5 देशों के समूह में शामिल करने के लिए राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण कानून में संशोधन करने की आवाज बुलंद की। उन्होंने जोर देकर कहा कि नई दिल्ली के साथ मजबूत रक्षा संबंधों के लिए यह जरूरी कदम होगा। गौरतलब है कि कुछ माह पहले अमेरिकी सीनेट ने कानून पारित किया था जिसमें रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए भारत को अमेरिका के नाटो सहयोगियों इजराइल व दक्षिण कोरिया जैसे देशों के समान तवज्जो देने का प्रावधान है। ब्रैड सरमन का कहना है कि भारत के साथ अमेरिका के रक्षा संबंध तेजी से बढ़ रहे हैं, किसी अन्य देश के मुकाबले भारत के साथ अमेरिका अधिक संयुक्त अभ्यास करता है। हालांकि आज से भारत मूल के अमेरिकी सांसद एमी बेरा ब्रैड सरमन के स्थान पर एशिया प्रशांत एवं परमाणु अप्रसार उपसमिति के अध्यक्ष बन गए हैं, जिसका मतलब है ब्रैड सरमन ने उन्हें एक प्रकार से भारत से दोस्ती मजबूत करने की सलाह दी है। पर इन दोनों बयानों से इतर जो सबसे बड़ा बयान आया है उसने चीन और पाकिस्तान में खलबली मचा दी है। अमेरिका के रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने चीन को चुनौती बताते हुए उसे अमेरिका और भारत के साझे रणनीतिक हित के खिलाफ कहा है। मार्क एस्पर ने कहा है कि चीन की तरफ से भारत पर होने वाली किसी भी गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई पर अमेरिका भारत के साथ खड़ा है और दोनों मुल्क मिलकर उस चुनौती का सामना करेंगे। एस्पर ने काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस को संबोधन के दौरान कहा कि अमेरिका अगले हफ्ते वाशिंगटन डीसी में भारत के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता की मेजबानी करेगा, जहां हम मजबूत होती साझेदारी को और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ऐसा करना दोनों देशों के रणनीतिक हितों के लिए जरूरी है। गौरतलब है कि एस्पर 18 दिसंबर को पेंटागन में अपने भारत समकक्ष राजनाथ सिंह के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। उसके बाद वे और सिंह विदेश विभाग के फोबीबोटम मुख्यालय जाएंगे, जहां वे विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के साथ भारत और अमेरिका की दूसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में शामिल होंगे। खास बात यह है कि चीन इस बैठक से बहुत ज्यादा बेचैन हो गया है। इसकी वजह यह है कि भारत और अमरीका की इस वार्ता के पीछे चीन की दादागिरी पर रोक लगाना है और एशिया में बढ़ते उसके प्रभुत्व को कम करना है। अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि वह चीन के समतुल्य भारत को उभार देना चाहता है। अमेरिका द्वारा ऐसा करने के पीछे भारत में बड़ा लोकतंत्र होना है, जहां से अमेरिका के लिए दूर दूर तक कोई खतरा नहीं है, जबकि चीन उसके लिए एक बड़ा प्रतिद्वंदी बनकर उभरा है। खासकर जिस प्रकार चीन ने ईरान और रूस के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास किया, उसने अमेरिका का पारा और अधिक गर्म कर दिया है। पेंटागन के शीर्ष नेताओं में शुमार एस्पर ने कहा है कि चीन से निपटना अब रक्षा विभाग की शीर्ष प्राथमिकताएं हैं। चीन तेजी से अपने सशस्त्र बलों का आधुनिकरण कर रहा है और अंतरिक्ष व साइबर जगत में अपनी क्षमताओं का विस्तार कर रहा है। एस्पर के इस चेतावनी वाले लहजे ने चीन के कान खड़े कर दिए हैं। चीनी थिंक टैंक का कहना है कि अमेरिका जानबूझकर भारत को उसके खिलाफ उकसा रहा है, जबकि भारत के साथ उसके रिश्ते ज्यादा खराब नहीं है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका ने एक प्रकार से चीन को अरुणाचल में उसकी घुसपैठ पर सख्त रुख दिखाया है। हालांकि चीन ने अपनी गलती मानते हुए अरुणाचल से अपनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के जवानों को वापस बुला लिया था, लेकिन अमेरिका की धमकी का साफ संदेश यही है कि वह भविष्य में ऐसी गलती की पुनरावृत्ति ना करे, अन्यथा यह उसको बहुत भारी पड़ सकता है। वैसे भी इस वक्त भारत और अमेरिका के संबंध शिखर पर पहुंच गए हैं। दोनों देशों ने रक्षा और आर्थिक मोर्चे पर मिलकर काम किया है, इसलिए अमेरिका ऐसा कभी नहीं चाहेगा कि भारत मुसीबत की घड़ी में अमेरिका पर किसी तरह का संदेह करे। एस्पर का यह बयान भारत के विश्वास को मजबूती देने वाला ही माना जा रहा है। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।